हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं फिर आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम सूजी से कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तो देखते हैं आज हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कप सूजी ली है, ये देखिए। अब मैं इस सूजी को वॉश करूँगी। आप चाहें तो, बहुत लोग होते हैं वॉश नहीं करते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सूजी वॉश करूँ। तो आफ्टर वॉशिंग दी सूजी, ये देखिए, अब मुझे इसमें कोई पानी की नीड नहीं होगी। मैंने इसको अच्छे से वॉश किया है। अब मैं यहाँ पे 3 चम्मच दही डाल रही हूँ, 3 बड़े चम्मच। चाहें तो दही की जगह लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे दही डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट अकॉर्डिंग टू दी टेस्ट, ये देखिए। एंड देन मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसका एक बैटर तैयार कर लूँगी। हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि जो दही के लम्स हैं वो उसमें ना रह जाएं। तो बस यहाँ हमारी दही इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए रेस्ट पे रखूँगी ताकि जो हमारी सूजी है वो फूल जाए। तो यह मैंने बैटर बनाने के लिए यहाँ पे 3 बॉइल्ड आलू लिए हैं, बारीक कटा हुआ प्याज लिया है और हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब इनसे हम अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यह मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल के इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी जीरा, इसको लाइट ब्राउन होने तक पकाऊँगी। अब मैं इसमें डालूँगी राई 1 बड़ा चम्मच और इसको चटकने तक हम पकाएंगे। ध्यान रखें इसको हमें पूरा चटकने देना है, ये देखिए। अब जो मैंने यहाँ पे बारीक कटी हुई प्याज ली थी मैं उसको इसमें डाल दूँगी और इसको लाइट ब्राउन होने तक सौटे करूँगी। ये देखिए, इसको अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक मुझे सौटे करना है। तो मैंने हरी मिर्च चॉप करके रखी हुई थी मैं उसको भी इसमें डालूँगी और इनको चला लूँगी, ये देखिए। हमारी प्याज यहाँ पे तैयार है। अब मैं यहाँ पे डालूँगी मसाले। मसाले में मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर और इनको अच्छे से पका लूँगी मसालों को इसमें। ये देखिए, मसालों को इसमें अच्छे से चलाते रहना है तब तक हमारे मसाले ठीक से पक ना जाएँ। मसाले एकदम तैयार हैं। अब मैंने जो बॉयल आलू लिए थे मैं उनको इस तरीके से मैश करके इसमें डाल दूँगी, ये देखिए सभी को इस तरीके से। अब मैं डालूँगी सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग एंड देन इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ये देखिए। अब मैं ऊपर से इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला, ये अलग ही फ्लेवर दे देता है। यहाँ पर डाल रही हूँ चॉप किया हुआ धनिया, इसको अच्छे से चला लेंगे। तब तक आप देख सकते हैं मेरी सूजी भी एकदम फूल गई है और ये एकदम तैयार है। अब मैं इसका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी, ये देखिए। मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया था और उसका एक पेस्ट तैयार कर लिया था। ये बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी एकदम बढ़िया है, जैसे हमें चाहिए थी। अगर आपका पेस्ट गाढ़ा हो जाए तो उसमें आप पानी डालकर उसको थिक कर लीजिए, बट मेरी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, जैसे मुझे चाहिए। तो आगे की रेसिपी शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं मेरी स्टफिंग तैयार है। मैं इसमें लेमन जूस डाल दूँगी, आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने पैन लिया है, पैन को मैंने इस तरीके से ऑयलिंग कर लिया है। जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था इस तरीके से मैं इसको फैला लूँगी और इनकी शीट तैयार कर लूँगी। तो देख सकते हैं आप गाइस, ये बिल्कुल परफेक्ट शीट हमारी बनकर एकदम तैयार हो गई है, ये देखिए। इसको अच्छे से पका लेना है, इसको दोनों साइड से अच्छे से पका लेना है। देख सकते हैं गाइस, मेरी शीट एकदम तैयार है, इसको मैंने अच्छे से पका लिया है, ये देखिए। ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है ना देखने में। आप भी इसको घर पे ट्राई कीजिए, बहुत जल्दी बन जाता है। अब ये देखिए, मेरी यहाँ पे स्टफिंग तैयार है, मेरी शीट तैयार है। अब मैं इनको इसमें रोल करूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे अपनी एक शीट ली है और ये जो मैंने स्टफिंग बना के रखी हुई थी मैं इस तरीके से इसको हाथों की मदद से इस तरीके से दबा दबा के इसको एक शेप दे दूँगी, ये देखिए। अब इसको इस तरीके से मैं इसमें फ़ोल्ड कर लूँगी। तो ये देखिए, हमारे मज़ेदार से सूजी रोल बनकर एकदम तैयार है, ये देखिए। लग रहे हैं ना गाइस, एकदम बढ़िया। तो गाइस ये देखिए, इसी तरीके से मैं बाकी के रोल्स अपने तैयार कर लूँगी। और गाइस ये बहुत जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट है और बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं, ये देखिए गाइस। इसी तरीके से मैं आपको करके दिखा देती हूँ।
देख सकते हैं गाइज मेरे सभी रोल बनकर एकदम तैयार हैं और दिखने में कितने ही मज़ेदार लग रहे हैं। अब मैं इनको सर्व करती हूँ। तो देख सकते हैं गाइस मेरे सूजी के रोल बनकर एकदम तैयार हैं और ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं। मैंने इनको केचप के साथ सर्व किया, इस तरीके से इसको बीच में कट कर लिया था। तो आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी तरीके की और भी नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।